सोमनी थाना क्षेत्र के टेढ़ेसरा गांव में दो पक्षों के बीच विवाद अब दो समाजों के बीच हो गया है। मामूली विवाद इतना बड़ा कि दोनों तरफ से लाठी डंडे चले और आदिवासी समाज से 3 महिलाएं घायल हुए और यादव और साहू समाज के 4 पुरुष घायल हुए हैं। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर जांच शुरू कर दिया है। पिछले 3 दिनों से लगातार इन दोनों पक्षों के बीच विवाद की बात सामने आ रही थी और दोनों पक्ष थाने पहुंच रहे थे, लेकिन आज विवाद इतना बढ़ा कि मामले में पुलिस और राजस्व को इस मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा। मामला जमीन विवाद को लेकर है, जिसमें आदिवासी समाज के लोगों के द्वारा गांव के जमीन में अतिक्रमण किया गया है। सोमनी क्षेत्र में ग्राम टेढ़ेसरा है, वहाँ पे 2 समुदाय के लोग रहते हैं। आदिवासी समुदाय लोगों का करीब 30 परिवार वहाँ रहता है, 8 घर है उसमें, 30 सदस्य रहते हैं। और दूसरा समुदाय जो है एक यदु समुदाय और साहू समुदाय रहते हैं, बहुल्य है। तो दशहरे के दिन जो है यदु समुदाय और आदिवासी समुदाय के साथ जो है आपसी विवाद हुआ था किसी बात को लेकर, तो वो शांत हो गया था उस दिनांक को। फिर कल जो है 16 तारीख को दोपहर 3 बजे जो है साहू जो हमारे प्रार्थी हैं धर्मेंद्र साहू के साथ आदिवासी लड़का जो है जितेंद्र ठाकुर, इनके द्वारा मारपीट किया, जिसे कल थाने सोमनी में अपराध क्रमांक 166/21, 294/323, 506 बी और 334 के तहत अपराध पंजीबद्ध विवेचना में लिया गया था। आज सुबह जो है इसी बात को लेकर कि तुमने जो FIR कर दिया है और हमने बताया नहीं करके, फिर दो गांव में बैठक ले रहे थे, उसी बैठक के दौरान जो है आदिवासी और यदु समुदाय के बीच में फिर मारपीट लड़ाई झगड़ा होने लगा, जिसे मौके पे जाके पुलिस शांत कराया गया और जो कार्रवाई किए हैं उनके विरुद्ध में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया जाएगा।